खीर बनाने जा रही होती हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये चावल है। ये चावल को हम पहले दूध में नहीं डालेंगे, हम इसको पहले पका लेंगे पानी में। तो ये चावलों को मैंने पानी में पका लिया है। तो इस तरह से आप अगर खीर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लाजवाब खीर बनेगी और गाढ़ी मलाईदार खीर बनेगी। तो चावल को, पके हुए चावल को हम दूध में ऐड कर देंगे। 1 लीटर दूध है तो इसको हम दोबारा से, दूध हमारा गर्म था, इसको हम इससे चलाते हुए अब इसको गैस के ऊपर रख देंगे। और इसके लिए हमें चाहिए जितने मात्रा में हमने चावल लिए थे उतना ही हमने चीनी लिया। चीनी आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में हरी इलायची है, इसका हम पाउडर बना लेंगे। अब बादाम और काजू को बारीक बारीक काट लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चावल पहले से पके हुए थे तो चावल अच्छी तरह से इसमें पक चुके हैं और दूध भी काफ़ी घट चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी इलायची का पाउडर और बादाम और काजू। इसी के साथ हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये किशमिश है, किशमिश अभी नहीं डालेंगे, किशमिश लास्ट में जब गैस बंद कर देंगे तब डालेंगे। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। तो देखिए खीर लगभग रेडी है। तो अब हम इसमें, हमारे पास ताज़ी मलाई है, आधा कटोरा हमने मलाई डाल दी, ताज़ी मलाई है। तो अब हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो देखिए खीर हमारी तैयार है, गैस मैंने बंद कर दी। तो गाढ़ी मलाईदार खीर हमारी रेडी है। तो आपको खीर कैसी लगी? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।